हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ़िश फ्राई मसाला बनाना बताऊंगी बिल्कुल न्यू स्टाइल से। ये बहुत ही देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने फ़िश ले लेना है। फ़िश को मैंने वॉश करके वन बाई वन करके प्लेट में रख लूँगी और इसका वाटर बिल्कुल ड्रेन होना चाहिए, पानी ज़रा भी नहीं इसमें होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नॉर्मल आटा, जिसकी हम चपातियां खाते हैं, 1 से 2 चम्मच, और उसी आटे में इन फ़िश को हल्का हल्का कोट कर लीजिएगा। अब चलती हूँ गैस की तरफ। मैंने पैन में तेल बहुत सारा ऐड कर दिया है, गैस ऑन है, तेल में धुआं निकलने का वेट कीजिए। जैसे ही तेल से बहुत अच्छे से धुआं आने लगे, वैसे फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और वन बाय वन करके सारे फिश ऐड कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए और एक रेड बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। 1 से 2 मिनट वेट कीजिए, फिर इसे फ्लिप कर दीजिए यानी पलट दीजिए। पलटने के बाद अगेन इसे 1 से 1.5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। 1.5 मिनट के बाद वन बाई वन करके इसे निकाल लीजिए। सारे फिश निकलने के बाद फिश का जो हेड होते हैं, उन हेड को भी इसमें ऐड कर दीजिए और एक साइड 20 से 25 सेकेंड और दूसरी साइड भी 20 से 25 सेकेंड हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। और बीच में ये स्पेस है उसमें गरम गरम ऑयल ऐड कीजिए ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इन्हें भी निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्राई फिश रेडी हो चुकी हैं। अब मैं चलती हूँ मसाला बनाने। तो मसाले के लिए मैंने वही जो पैन में ऑयल बचे हुए थे, वो ऑयल मैं एक बड़ी सी पतीली में ऐड कर दूँगी। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना ऐड कीजिएगा और इसे गोल्डन ब्राउन होने का वेट कीजिएगा। जैसे ही मेथी दाना में गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, वैसे आप इसमें घर का बना फ़िश फ्राई होममेड मसाला ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स, मसाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है, बहुत लाजवाब। एक बार इस मसाले से आप फिश बनाइए, लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले ऐड कर दिया है। हल्का सा मिक्स करके मैं इसे 10 से 15 सेकेंड के लिए कवर कर दूंगी। जब तक मैंने 2 टमाटर ले लेना है और इन्हें बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। टमाटर चॉप हो चुके हैं, 20 सेकेंड बाद मैं टमाटरों को इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन्हें भी हल्का सा मिक्स कर लीजिए, फिर इसे कवर कर दीजिए। अब मैं चलती हूँ मसाला। मैं बताती हूँ कि मैंने मसाले में क्या क्या ऐड किया था। 1/2 चम्मच मैंने पीली सरसों, 1/2 चम्मच मैंने ब्लैक सरसों, दोनों मिलाकर 1 चम्मच सरसों है। इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/3 टी स्पून काली मिर्च। इन्हें मैं एक बोल में ऐड कर दूँगी, बड़े बोल में। और मैंने एक बड़े साइज़ का लहसुन लिया छिला हुआ और 3 मैंने सूखे मिर्चे लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने इसमें 1/2 प्याज ऐड किया है और इन्हें बहुत फाइन सा पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, इन मसाले में अब मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1/3 टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टी स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक टू टेस्ट, एंड इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये मसाले रेडी हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने धनिया पत्ती और सोया पत्ती लिया हुआ है, इन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब मैं 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाऊंगी और 1/2 दोनों पत्तियों को ऐड कर दूंगी, सोया पत्ती और धनिया पत्ती, और इन्हें बहुत अच्छे से स्टर कर लूंगी। स्टर करेंगे तभी ये अच्छे से बन पाएंगे मसाले। ढक्कन लगा कर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फिर मसाले भुनने का वेट कीजिए। 3 मिनट बाद मैंने इसमें हरी मिर्चियों को ऐड किया है। हरी मिर्चियों को बीच से कट बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसे ऐड कर देना है। अब इन्हें 2 से 3 मिनट अगेन हाई फ्लेम पर रोस्ट करना है। ऑयल रिलीज़ हो चुके हैं। अब मैं 1 बाई 1 करके सारी फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं जैसे बता रही हूँ आप सेम उसी तरीके से बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। जो भी बर्तन में पानी लगे थे फ़िश वाले, ऑयल वो भी ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा वाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड किया है। धनिया सोया जो बचा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। पानी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ढक कर इसे
दो से तीन मिनट तक पकने दीजिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। 15 मिनट बाद जब पूरे तरीके से ठंडा हो जाए तब ढक्कन खोलिए। आप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इस ट्रिक से बना कर देखिए। लोग आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। जब भी स्पेशल तरीके से आपको फ़िश बनाना हो तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मैं आपके साथ आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, और इसे आप खा सकते हैं रोटी के साथ, प्लेन राइस के साथ, पूरियों के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही लजीज लगती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो ये चावल के साथ लगती है, प्लेन राइस के साथ। तो फिर से मैं मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।